छत्तीसगढ़ की पाटन सीट हॉट सीट है, जबरदस्त चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि वहां से सीएम भूपेश बघेल मैदान में हैं, वहां से बीजेपी के उम्मीदवार विजय बघेल मैदान में हैं और अब अमित जोगी ने भी वहां से ताल ठोक दी। छत्तीसगढ़ की सबसे हॉट सीट माने जाने वाली पाटन में नया मोड़ आ गया है। पाटन विधानसभा में सीधी जंग सीएम भूपेश बघेल और दुर्ग सांसद विजय बघेल के बीच थी, लेकिन अचानक अमित जोगी ने नामांकन भरकर मुकाबले को और भी दिलचस्प बना दिया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता अमित जोगी ने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने चुनावी मैदान में आए हैं। मेरी लड़ाई भूपेश के खिलाफ नहीं है, मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। इधर नामांकन के दौरान सूबे के मौजूदा सीएम भूपेश बघेल ने दावा करते हुए कहा कि दुर्ग के किलों को भेदना किसी के बस की बात नहीं है। दुर्ग किला भेदना आसान नहीं है, तो ये कांग्रेस का हमेशा कर रहा है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। अमित जोगी की मां रेणु जोगी अपने पारंपरिक सीट कोंटा से फिर चुनाव लड़ेंगी, तो वहीं पत्नी ऋचा जोगी दूसरी बार अकलतरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर जो सस्पेंस था, फिलहाल वो खत्म हो गया है। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के फूलपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? क्योंकि बिहार के सियासी हलकों में इसी को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सीएम नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। खबरों के मुताबिक कार्यकर्ता चाहते हैं नीतीश कुमार प्रयागराज के फूलपुर से चुनाव लड़ें। हालांकि नीतीश कुमार इस बारे में अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया है और न ही मीडिया में कोई बयान दिया। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का कहना है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है, लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार को करना है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तय करना है। अब इसी से समझिए कि जब उत्तर प्रदेश के लोगों की भावना यह है कि नीतीश कुमार जी का भारतीय जनता पार्टी को कहां वोट मिलने वाला है, ये भी समझ लीजिए। नीतीश कुमार के लोकसभा चुनाव लड़ने पर बीजेपी ने तंज कसा है और उसे नीतीश की प्रेशर पॉलिटिक्स बताया है। अगर जाना हो तो वाराणसी जाए, मोदी जी के साथ लड़ ले, तब लोग समझेगा कि नीतीश कुमार है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार से लोकसभा नहीं गए हैं, वो 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में बतौर सांसद चुने गए थे। राजस्थान में एक तरफ कांग्रेस के लिए सत्ता में लौटने की आस है, दूसरी तरफ ईडी के पास है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत इन दिनों मुश्किलों में हैं। राजस्थान में बढ़ती सियासी सरगर्मियों के बीच इन दिनों जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है सूबे के मुख्यमंत्री के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत का, जो इन दिनों ईडी की फांस में फंसे हुए हैं। ईडी ने देर शाम वैभव गहलोत से लगभग 7.5 घंटे लंबी पूछताछ की। हालांकि ईडी ने 16 नवंबर को वैभव गहलोत को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया है। लंबी पूछताछ इन्होंने करी है और मैंने मेरी तरफ से जो भी जवाब देने थे इनको दिए हैं, लिखित में भी दिए हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे बीजेपी का खेल बताया। अशोक गहलोत ने कहा कि पॉलिटिकल माइलेज कैसे लिया जाए ये बीजेपी बखूबी जानती है। जो कुछ हो रहा है पॉलिटिकल मैसेज जाए, पीसी प्रिंट के छापे पड़ गए हैं, मुख्यमंत्री के सन के ऊपर छापे पड़ गए हैं, उनको बुला लिया गया है, तो पॉलिटिकली कैसे माइलेज लें उस काम को लगे हुए ईडी वाले। दरअसल बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने 9 जून को ईडी में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें अशोक गहलोत के व्यापारिक उपक्रमों के जरिए काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया था। केदारनाथ यात्रा पर इस साल बन रहे नए रिकॉर्ड, केदारनाथ धाम की यात्रा पर अभी तक 18,60,000 यात्रियों ने दर्शन किए।